और राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी की पांचवी सूची जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में चुनाव की बीजेपी ने पांचवी सूची जारी कर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पांचवी सूची में 92 प्रत्याशियों का बीजेपी ने ऐलान किया है। 92 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में इस बार उतारा है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट काटा है बीजेपी ने, और मौजूदा 3 मंत्रियों के भी टिकट कटे हुए हैं। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता दें। और इसके अलावा ओपीएस भदौरिया, यशोधरा राजे और गौरी शंकर बिसेन का नाम इस सूची में नहीं है। 3 मौजूदा मंत्रियों के टिकट कटे हैं। बिसेन की जगह उनकी बेटी मौसम बिसेन को उम्मीदवार बनाया गया है, उन पर भरोसा पार्टी ने जताया है। कांग्रेस की तरह बीजेपी ने 2 सीटें फिलहाल होल्ड पर रखी है। और ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की तरह बीजेपी ने 2 सीटें होल्ड पर रखी है। 2 सीटों पर ऐलान होना फिलहाल बाकी है। 228 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार अपने उतार दिए हैं। तो अभी तक बीजेपी ने 228 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस को टिकट मिला है। अर्चना चिटनिस पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, और ग्वालियर पूर्व से माया सिंह को उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता दें। और नर्मदापुरम से सीता शरण शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं सीता शरण शर्मा। और पिपरिया से ठाकुरदास नागवंशी को उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा विधायक है ठाकुरदास नागवंशी, उन पर पार्टी ने दोबारा उम्मीद जताई है, भरोसा जताया है। बालाघाट से मौसम बिसेन को टिकट मिला है। गौरी शंकर बिसेन की बेटी है मौसम बिसेन। तो राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की पांचवीं सूची जारी हो चुकी है। पांचवीं सूची में बीजेपी ने 92 उम्मीदवारों को चुनावी समर में उतारा है, ऐलान किया है। बता दें कि आकाश विजयवर्गीय का टिकट काटा है बीजेपी ने इस बार। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं आकाश, और मौजूदा 3 मंत्रियों के भी टिकट कटे हैं। इस सूची में 3 मंत्रियों का नाम नहीं है। इन 3 मंत्रियों में ओपीएस भदौरिया शामिल है, यशोधरा राजे शामिल है, गौरी शंकर बिसेन शामिल है। हालांकि गौरी शंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को बीजेपी ने टिकट दिया है, उन पर भरोसा पार्टी ने जताया है। और इसके अलावा बात की जाए कि कांग्रेस की तरह बीजेपी ने 2 सीटों को होल्ड पर रखा है। 2 सीटों पर ऐलान होना बाकी है। पार्टी ने अभी तक 228 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, और 2 सीटें फिलहाल होल्ड पर है। बुरहानपुर से पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को टिकट मिला है, उन पर भरोसा जताया है। और इसके अलावा बात की जाए ग्वालियर पूर्व से, तो ग्वालियर पूर्व से माया सिंह को उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है। और बात की जाए नर्मदापुरम की, तो नर्मदापुरम से मौजूदा विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा को टिकट मिला है। पिपरिया से मौजूदा विधायक ठाकुरदास नागवंशी को टिकट मिला है। ये 34 दफा है जब उनको टिकट मिला है। इसके अलावा बालाघाट से मौसम बिसेन को टिकट मिला है। मौसम बिसेन गौरी शंकर बिसेन की बेटी है, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। तो राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी ने 5वीं सूची जारी कर दी है उम्मीदवारों की, और इस 5वीं सूची में 92 प्रत्याशियों का ऐलान किया है।